चलिए शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से जुड़ी हुई अपडेट। अब आपको लगातार हम अफगानिस्तान से जुड़ी हुई अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मैं सहमी हूँ, चिंतित हूँ और डरी हुई हूँ। विश्वासघात को महसूस कर रही हूँ। एक धोखे ने सब कुछ तबाह कर दिया। वो धोखा जो पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश को दिया। निश्चित तौर पर उन्होंने हंसते खेलते अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों सौंप दिया। यह कहना है अफगानिस्तान में महिला सशक्तिकरण का चेहरा और अमेरिका में अपनी अफगान महिला एम्बेसडर रोया रहमानी का। उन्होंने बताया कि हजारों महिलाओं ने नया अफगानिस्तान बनाने में बहुत मेहनत की थी। लाखों लोगों को बलिदान देना पड़ा, लेकिन पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। अब इस राज में महिलाओं को कोई हक नहीं है। इन सब की वजह गन्नी सरकार है, क्योंकि उसने अमेरिकी सरकार को भी गुमराह किया। सेना को बिना गोले बारूद सीमा पर भेज दिया गया। देश तालिबान के कब्जे में जाना अफगान सुरक्षा बलों की विफलता नहीं थी। वे लड़ने को तैयार थे। उस समय सीमा पर सेना को बिना गोले बारूद के भेज दिया गया। उन्हें हवाई कवर तक नहीं दिया गया, पर्याप्त रसद भी नहीं दी गई। सेना पते तक खाने के लिए विवश थी। फिर एक पॉइंट पर सेना को मूकदर्शक बने रहने और आत्मसमर्पण करने का ऑर्डर दिया गया। भारत हमें अकेला ना छोड़े। देश में तालिबानी शासन के काबिज होने में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही। रहमानी भारत को लेकर कहती हैं, सदियों से भारत अफगान के मजबूत संबंध रहे हैं। भारत हमें अकेला ना छोड़े। भारत की अभी तत्काल कार्रवाई यह हो सकती है कि वह उन लोगों को वीजा दे जो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, विशेष रूप से नागरिक समाज की महिलाओं की मदद करना जो अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए बेहद भयभीत है। ये थी कहानी अफगानिस्तान में महिलाओं की, जो खुद एम्बेसडर, वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बता रही है। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और खबर को शेयर कीजिए।